क्वेश्चन है कि आपको इसमें वीटी ग्राफ गिवन है और आपको दो क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो और ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में भी जा रहा है। तो रूल नंबर वन, आपको अगर इसमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। अब क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, इसका एरिया आपको क्या देगा, या तो डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर मैं कहूं डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस में इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितने है 3 और हाइट कितनी है 20, फिर ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितने 1 और हाइट कितनी है 20। देखो यहां -20 मत लेना, -20 लेने से आपका ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं, आप मैग्नीट्यूड लेंगे इसमें। तो रिजल्ट क्लियर है। और लास्ट, इसका एरिया क्या होगा 10 × 1, इसे सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ रहा है 50 मीटर। ओके, तो ये आंसर आ गया। मतलब आपका चाहे यहां पर नेगेटिव चल रहा है वेलोसिटी, तो भी आपने यहां पर क्या पुट करनी है, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं मॉड लेना, मॉड मॉडुलस, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर यही क्वेश्चन में क्या पूछा होता, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते, यहां पर नेगेटिव लेते। डिस्प्लेसमेंट में यहां पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, 40। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है, क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो इसमें। ये लो, आपको ये बताना है इसमें, इस ग्राफ को देखते हुए ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है फिर से, ठीक। इस ग्राफ में आपको यह बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड किस रीजन में होगी, OA में, AB में, BC में कि CD में। ऐसे कैसे BC, कैसे रीजन देखते ही कैसे बता दिया, इतने फास्ट कैसे हो सकते हो यार, कैसे? क्या करना है, रूल नंबर वन, बीसी आंसर है। रूल नंबर वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या निकालने की एक्सेलेरेशन आ जाए, स्लोप। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलेरेशन। तो अगर एक्सेलेरेशन ओए रीजन की निकालें, तो ओए रीजन की एक्सेलेरेशन में क्या आएगा, ये 20 है और ये 2 है, तो एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, 20/2, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जो ए बी रीजन है वो स्ट्रेट है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 0। फिर उसके बाद ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये हाइट कितनी है 60 − 20 और ये बेस 1 है, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और ऐसी इसके लिए ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है 60 / बेस कितने 7 − 4 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यानी कि 20। तो ऑब्वियसली आंसर क्या था, बीसी, सही बोला था इसने। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें आपको एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी हर रीजन की,
और एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगी? बाय कैलकुलेटिंग दी स्लोप। स्लोप निकालते जाओ, ए आता जाएगा, जिसका ए बड़ा होगा बस वो आंसर है। क्लियर है यहां तक? डाउट? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ें और इस क्वेश्चन में पहले ग्राफ प्लॉट करें इसका, ठीक। ग्राफ प्लॉट करें और चेक करवाएं कि ग्राफ क्या बनेगा, फिर बाकी देखते हैं क्या करना है। ओके, ग्राफ तो काफी लोगों का ठीक लग रहा है। तो बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम, फिर डी एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा फॉर सम टाइम। तो पहले एक्सेलरेट करती है, वेलोसिटी बढ़ाती है, फिर वेलोसिटी कम करती हुई रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट से स्टार्ट होती है, वेलोसिटी बढ़ाती है, ब्रेक लगाती है और रुक जाती है। अब टोटल कितनी देर के लिए ऐसा करती है? फॉर टाइम कैपिटल टी ऐसा करती है। क्या निकालना है? फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच बाय द बॉडी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वेलोसिटी और ये टाइम है, तो इसमें गलती से मैंने एंगल अल्फा बीटा ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल है, ये रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन नहीं है। आप थीटा वन थीटा टू भी लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे चाहिए भी नहीं वैसे। तो ग्राफ अगर इसका प्लॉट करें वेलोसिटी टाइम का, तो क्या बनेगा? वेलोसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो गई, फिर कम हो रही है और फिर वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन अल्फा, कम हो रही है तो बीटा, और टोटल टाइम पूरी जर्नी का कितना है? कैपिटल टी। तो जितनी देर में वो एक्सेलरेट हो रही है तब तक टाइम कितना है? टी वन।
और रिटार्डेशन में टाइम कितना है टी टू, लेकिन आपको टी वन टी टू मैंने अज्यूम किया, लेकिन आपको टोटल टाइम गिवन है कैपिटल टी। ठीक है यहाँ तक। अब आपको वी मैक्स निकालना है। आपको पता क्या है, आपको दो ही चीज़ें आती हैं, या तो आपको स्लोप आती है या आपको एरिया आता है। एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछी नहीं, हमें क्या पूछा है वेलोसिटी। तो हम एक काम करते हैं स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। तो बताओ इस पोर्शन की एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगी, टेन थीटा स्लोप क्या होगा, दिस हाइट, ये हाइट कितनी है वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी वन। क्या रूल क्लियर है? तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, टी वन, टी वन इक्वल टू वी मैक्स बाय अल्फा, राइट, क्लियर है। अब बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू हाइट वी मैक्स बाय टी टू, तो टी टू क्या होगा, टी टू वी मैक्स बाय बीटा, क्लियर है यहां तक। टोटल टाइम अगर कैपिटल टी है इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, तो टोटल टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, टी वन की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, टी टू की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यहां से वी मैक्स क्या जाएगा कॉमन, वी मैक्स कॉमन आ गया। इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये टर्म आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। ठीक, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि आपने इसमें क्या किया, टी वन टी टू निकाला, कैपिटल टी में टी वन टी टू को पुट किया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें क्या निकालनी है, अब डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है कैपिटल टी, और हाइट क्या है वी मैक्स। पर वी मैक्स हम ए पार्ट में निकाल चुके हैं, वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, सॉल्व करके आंसर, पॉइंट क्लियर है यहां तक। ये तो निकल गया ना एरिया, वी मैक्स की वैल्यू निकाली ना, ये रही, इसको उठा के यहां पुट किया, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक,